हेलो नमस्कार, जय हिंद, जाबाजो। भारतवर्ष के सभी नौजवान होने वाले फौजियों को यह संदेश देना चाहता हूं, जबरदस्त संदेश है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कह रहे हैं गुरुजी अभी कोई निश्चित नहीं हो रहा है कि कब रिजल्ट आएगा। अरे निश्चित क्यों नहीं है, ये कौन बोलता है? निश्चित है दोस्तों, 20 से 25 दिन आपके इस रिजल्ट में आप बाकी हैं, यानी 25 दिन बाद आप वो लिस्ट देखोगे कि जिस लिस्ट के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बहुत संघर्ष से मुझे याद आया, एक बच्चा फोटो लगा रहा, कह रहा देखो ये बहन ने बहुत संघर्ष किया है, 20 साल की उम्र में इसने दिल्ली पुलिस में नौकरी ले ली है। अरे संघर्ष क्या किया इसने? एक कहावत है दोस्तों कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी की उम्र सफर में कटी। संघर्ष उन लोगों का देखो जो दिल्ली पुलिस हो या कोई भी नौकरी हो जिसमें उन्होंने 6-6, 7-7 साल हिम्मत नहीं तोड़ी और लगातार परिश्रम के साथ आखिर में जाकर झंडा गाड़ा। ये संघर्ष नहीं है, ये तो अच्छी बात है, आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपको 1 से 2 साल के अंदर नौकरी मिल गई। अरे दिल्ली पुलिस की उम्र ही 18 से शुरू होती है, तो अगर आपने 18 से शुरू किया और 20 में आपको नौकरी मिल गई, संघर्ष कहां है इसमें? आप आए, आपने तैयारी करी, बहुत अच्छा था, भगवान ने आपका साथ दिया, आपके माता पिता के पुराने कोई कर्म होंगे वो अच्छे रहे और आपकी नौकरी लग गई तुरंत 20, 21, 18 इनकी उम्र में। ये संघर्ष नहीं, संघर्ष उनसे पूछो जो 28 साल में भी पेपर दे रहा है, जो 27 साल में भी पेपर दे रहा है और शुरू उसने 17 साल से किया था, संघर्ष इसको कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो मैं आपको बोल रहा हूं एसएससी जीडी में, देखिए एक बात आपको बता देता हूं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां 1 से 1.5 नंबर बढ़ने पर भी फाइन। अच्छा एक चीज बता देता हूं, बहुत बड़े डाउट है बच्चों के मन में कि गुरुजी आप कैसे कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। अरे मेरे भाई, पिछली बार एनसीसी के मार्क्स नहीं जुड़े थे, तो वो जो मार्क्स एनसीसी के जुड़ के आए थे ना, वो फाइनल मेरिट में जुड़ के आए थे, इस वजह से वो मेरिट और ज्यादा बढ़ गई थी, 10-10, 12-12 नंबर बढ़ गई थी। इस बार मेरे भाई सबके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के, एनसीसी के, फलाना के, ढिमाका के, घंटा, सब चीज उसमें जुड़कर आई है, इसीलिए मेरिट कहां पहुंच गई, इतने ऊंचे पे पहुंच गई। तो अब इतनी ऊंची नहीं जाएगी, अब मिनिमम मेरिट कितनी जाएगी, 5 से 6 नंबर, वो भी हाईएस्ट इलाकों में। हाईएस्ट इलाका समझ रहे हो, यूपी, उत्तर, मतलब यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हाईएस्ट जो इलाके नॉर्थ इंडिया के वहां जाएगी, बाकी सब जगह तो 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर ऐसी जाएगी। खैर फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है तो देखो मैं पूरी लिस्ट लेके आ चुका हूं और अब आपको आज शाम को हो सकता है मैं सेशन करूं या कल करूं या संडे को, तो 100% आएगा, मैं एक लाइव सेशन लूंगा और उस लाइव सेशन में हर व्यक्ति जुड़ जाना, मैं अभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चाहे वो लाइव सेशन हो 6 घंटे का, पूरे 6 घंटे आपके प्रश्नों का उत्तर ही दूंगा और ये मेरा वादा है। अब तक का सबसे बड़ा सेशन करूंगा किसका, इस कट ऑफ एनालिसिस का, जो आपके पर्सनल क्वेरीज लेने होते हैं मेरे को, अब तक का सबसे बड़ा सेशन आने जा रहा है शायद नेक्स्ट संडे को, तो आप जुड़ जाना, 6 घंटे का हो, 7 का हो, 8 का हो, चाहे 12 का हो, वो सेशन आपके लिए होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू। अभी आपको कमेंट में अपने नंबर पूछने तो नीचे कमेंट सेक्शन में नंबर जरूर लिख देना। जय हिंद, वंदे मातरम, रिजल्ट 7 दिसंबर से पहले आ जाएगा, बिल्कुल घबराइए मत और तैयार रहिए अब फाइनल रिजल्ट के लिए। जय हिंद।